Hello everyone, welcome back to our channel Shiksha Corner, and in this video we are going to start a new topic, ठीक है, और new unit which is foreign policy of major power, ठीक है। तो देखो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल शिक्षा कॉर्नर में। यहाँ पर हम BA पॉलिटिकल साइंस, बेसिकली हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है, जैसे आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है, यूजी अंडर ग्रेजुएशन में, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन में ही, ठीक है, जितने सारे टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर पेपर, डीएससी पेपर, है ना। तो जितने टॉपिक होते हैं सब पे में हम वीडियो लेके आते हैं। तो हमने सेमेस्टर 1 से स्टार्ट किया था, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 तक कंप्लीट हो चुका है ना। ये हमारा सेमेस्टर 6 है। अभी देखो, अभी क्या है कि डिफरेंट अबर क्या हुआ था कि एक न्यू पॉलिसी आया था, एजुकेशन पॉलिसी। उसमें क्या हुआ था, थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया था, है ना। 5 इयर्स प्रोग्राम हो गया था, जैसे 3 साल में ग्रेजुएशन जो कंप्लीट होता था वो अब 4 साल में कंप्लीट होने लगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर वो लोग ज्वाइन करते हैं यहाँ पर तो आप लोग वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पर किसके लिए, देखो, BA पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर, ठीक है, BBMKU में, ठीक है, BBMKU यूनिवर्सिटी जो हमारा है, ठीक है, वहाँ पे ये DSC 3 में आता है, और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ये आता है DSC 4A में, ठीक है। मैं एक इसीलिए मैंने साथ ही में बना दिया नोट्स, इसीलिए नोट कर दिया कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। मैं डिफरेंट क्वेश्चन जो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो मैं पहले ला सकता था, लेकिन अगर आप लोग स्टार्ट ही कर रहे हो पढ़ना, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो ये जानना जरूरी है कि फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली में है क्या, ठीक है। आप लोग समझ के देखो, ये वर्ड से ही हमें ना पूरा क्लियरिटी मिल जा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी है क्या। सिर्फ वर्ड को हम अगर पता चल रहा है ना, तो हम इस पर हम 1 पेज तक लिख सकते हैं अपने से पॉइंट्स बना के। देखो, हर एक कंट्री का ना, डिफरेंट कंट्री का क्या होता है, अपना अपना एक फॉरेन पॉलिसी होता है, एक पॉलिसी होता है, ठीक है, एक अपना डिप्लोमेट्स होता है, डिप्लोमेटिक होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो कंट्री है, डिफरेंट कंट्री क्या चाहती है, वो अपना इंटरेस्ट चाहती है, नेशनल इंटरेस्ट को सेव करना चाहती है, प्रोमोट इट्स वैल्यूज़ एंड मैनेज इट्स रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज़, ठीक है। आप देखते होगे कि डिफरेंट जितने सारे प्रधानमंत्री होते हैं, किसी स्टेट, किसी कंट्रीज़ के राष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं हम इसको विदेश दौरा बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ जाते हैं, वहाँ अलग अलग प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या हो रहा है, वो घूमने जा रहे नहीं, वो क्या होता है, वहाँ पे जाके डिफरेंट ट्रीटीज साइन करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन के बीच में जो बात होता है, इंटरनेशनल रिलेशन उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, अगर मान के चलो इंडिया का बात करें, ठीक है, हमें वैसे इंडिया का पढ़ना नहीं है, फिर भी हम थोड़ा इंडियन से, तो हम लोग इंडिया से रिलेट करके हम समझ सकते हैं। इंडिया का बात करें तो देखोगे आप सिंपल देखोगे कि नरेंद्र मोदी न्यूज़ में आते हैं कि वहाँ गए हैं, यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, ठीक है, सऊदी अरब गए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो क्या होता है, वो इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। और एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि आप क्या बोल सकते हैं, हम आप लोग देखते होगे कि फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं, है ना, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, और एक और है IFS, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जो रहते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, मान के चलो इंडिया का कोई पॉलिसी है या इंडिया का कुछ बात है, ठीक है, वो वहाँ तक पहुँचाना है, तो वो IFS का रोल हो गया, ठीक है, जैसे होता है ना IS, IPS, IFS, ठीक है, तो इंडियन फॉरेन सर्विस का रोल हो गया। और फिर क्या है कि फॉरेन एक मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है, और फिर क्या है कि प्रधानमंत्री, तो ये सब जो जितने सारे मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मेन गोल रहता है उनका क्या कि नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सके, प्रमोट कर सकते हैं अपना वैल्यू को, और अपना कल्चर दिखा सकते पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। Foreign policy can cover a wide range of issues, including diplomatic, economic, military, cultural interaction with international community। देखो, जब तक अगर अपना foreign policy अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी अच्छा रहने का मतलब है कि कंट्रीज़ का इमेज अच्छा रहना, ठीक है। अभी देखो पाकिस्तान का बात करते हैं तो पाकिस्तान को कोई, चाइना को सिवा कोई और दूसरा कंट्री कर्ज देना चाहता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका इमेज ही ख़राब हो गया है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है कि हमें क्या है इंटरनेशनल रिलेशनशिप बना के रखना पड़ता है कि अगर हमारे पे कोई प्रॉब्लम आया तो दूसरे जितने सारे जो रिलेशन में बने हुए हैं, ठीक है, जो ट्रीटी साइन किए हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब देखो इसका की एलिमेंट्स है कुछ, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। की एलिमेंट्स है, 5 की एलिमेंट्स है। डिप्लोमेसी, ठीक है, द कंडक्ट ऑफ नेगोशिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज टू एडवांस नेशनल इंटरेस्ट एंड रिजॉल्व नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ थ्रू पीसफुल मीन्स, ठीक है। डिप्लोमेसी क्या है? डिप्लोमेसी मतलब होता है ना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी क्या करते हैं अपने दोस्तों को, क्या करते हैं दोस्तों को नहीं सॉरी मतलब बोल सकते हैं कि हल्का थोड़ा दिमाग लगा के कोई काम करवा लेते हैं किसी से, कोई भी मान के चलो जूनियर का बात करते हैं, ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है, अपने भाई बहनों से दिमाग लगा के काम। तो वहाँ पर क्या हो तो छोटा स्तर पर हो गया डिप्लोमेसी करना। यहाँ पर क्या है कि कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेसी का बात हो रहा है। द कंडक्ट ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है, अगर कुछ ऐसा कुछ है तो नेगोशिएट करके, ठीक है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज़, कंट्रीज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना, क्यों, ताकि मेरा नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट का एक टॉपिक भी बना हुआ है, नहीं समझ में आ रहा तो उसको देख लो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट मतलब क्या था, राष्ट्र का क्या इंटरेस्ट है, क्या चीज़ राष्ट्र करना चाहती, आगे 5 साल 10 साल में क्या बनना चाहती, उसको करना, ठीक है। और रिजॉल्व इंटरनेशनल इशू, जितने सारे डिफरेंट इंटरनेशनल इशूज़ है उसको रिजॉल्व करना, ठीक है, थ्रू पीसफुल मीन्स, पीसफुल तरीके से। अब उसके बाद सेकंड क्या, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन। देखो अगर फॉरेन पॉलिसी हमारा वैसा होना चाहिए कि ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन क्या है वो अच्छा हो, ठीक है, पॉलिसीज़ क्या हो, रिलेटेड हो किससे, इंटरनेशनल ट्रेड से, इकोनॉमिक कोऑपरेशन से, इकोनॉमिक कोऑपरेशन वर्ड समझना क्लियर हो जाएगा पूरा, फाइनेंशियल इंटरेक्शन विथ अदर नेशन। थर्ड हमारा है सिक्योरिटी एंड डिफेंस, स्ट्रेटेजीज टू सेफगार्ड ए कंट्रीज सिक्योरिटी विच में इन्वॉल्व अलायंस, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट एंड आर्म कंट्रोल्स एंड अदर डिफेंस रिलेटिव कंसिडरेशन। देखो ये क्या है कि हम अगर किसी कंट्रीज़ को हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं इसमें, ठीक है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस में, तो वो भी हमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक क्या बोल सकते हैं, ये रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन बन रहा है, यही है फॉरेन पॉलिसी, यही है, ठीक है, सिंपल। फिर हमारा क्या है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स एंड इनिशिएटिव टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंज। देखो अभी G20 हुआ था, ठीक है, तो इसमें क्या है ग्लोबल चैलेंज को ही लेके क्या किया गया था ना, और डिफरेंट जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, किसको देख के, वो देख के क्लाइमेट चैलेंज को देख के, हेल्थ क्राइसिस को देख के, ह्यूमन राइट्स को देख के, ठीक है, तो ये जो बनते हैं तो उस पर क्या है कि अगर हम कंट्रीज़ को हम अब हमारा भी उसमें सहयोग रहेगा, हम भी उसमें पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा पूरे इंटरनेशनल मतलब एक फॉरेन पॉलिसी उसी को बोलेंगे सिंपल, ठीक है, हमें यही जानना है कि फॉरेन पॉलिसी, तो वो उसको हम बोल सकते हैं फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, हमारा फॉरेन पॉलिसी है वो। अब क्या है कल्चरल एंड पब्लिक डिप्लोमेसी, इफर्ट्स टू प्रोमोट कंट्रीज़ कल्चर, ठीक है। अभी आप देखो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या इंडिया कल्चर मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या बन रहा है, मंदिर बन रहा है, ठीक है, इंडिया कल्चर को देख लो, डिफरेंट लोग इंडिया आते घूमने के लिए, ठीक है, वहाँ यहाँ से कल्चर लेके जाते हैं। तो यहाँ फॉरेन पॉलिसी ऐसा है कि दूसरे लोग वहाँ के कंट्री के लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के कंट्री लोग वहाँ जा सकते हैं, इंडिया में बहुत सारे जगह घूमने का जगह है। सबसे पहली बात इंडिया एक डाइवर्स कंट्री, जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं ना। और अगर आप लोग नॉर्थ से साउथ आओगे या तो ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो डिफरेंट आपको क्लोथ्स, डिफरेंट आपको फूड मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि एक मुझे फिलोसफर का नाम याद नहीं, ठीक है, क्या था, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर आपको पूरा वर्ल्ड घूमना है, आपके पास बजट कम है, तो आप घूम लो इंडिया, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जितने सारे आपको स्नोफॉल मिल जाए, मतलब ठंडा प्रदेश मिल जाएगा, आपको रेगिस्तान मिल जाएगा, आपको हर एक जगह मिल जाएगा, जंगल झाड़ सब कुछ मिल जाएगा, है ना, पहाड़ पानी सब मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वर्ल्ड घूमना है तो आप कहाँ घूम सकते हो, आप इंडिया घूम सकते हो। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हमारा ये फॉरेन पॉलिसी बना हुआ है कि इससे क्या बनेगा, टूरिज़्म बढ़ाना पड़ेगा हमें, टूरिज़म का एक फॉरेन पॉलिसी बन जाएगा कि यहाँ से हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे। तो उससे क्या होगा, एक चीज़ हो सकता है ना, अपना कंट्रीज़ का जो कल्चर है वो क्या होगा, प्रमोट होगा, वैल्यूज़ होगा, वैल्यूज़ बढ़ेगा। अभी देखो, अभी जो भारत है हमारा, ठीक है, इसमें इसका कल्चर क्या बोल सकते हैं उसको, इमेज कितना पूरा है, ठीक है। सारे देखो कंट्रीज़ के लोग, मतलब सारे वर्ल्ड के में जितने सारे इंडिया को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, इंडिया को। इंडिया एब्रोड थ्रू कल्चरल एक्सचेंजेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड पब्लिक रिलेशन इनिशिएटिव। देखो ये पब्लिक रिलेशन इनिशिएटिव, वेट, हम उसमें इसको किस में बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसको, आपका क्या था, सॉरी, टूरिज़म में, ठीक है, टूरिज़म से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज हो गया, एजुकेशन प्रोग्राम्स हो गया, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी इज डायनेमिक एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। देखो फॉरेन पॉलिसी से भी एक ही डायरेक्शन में, डायनेमिक फैक्ट, डायनेमिक है, ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन, इवॉल्विंग ग्लोबल इवेंट्स। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग नेशंस का पोजीशन, मतलब कि राष्ट्र का पोजीशन को सेव करने में मदद करता है, ठीक है, इन द वर्ल्ड एंड मैनेजिंग इट्स रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज़ के बीच में कैसा रिलेशन, अभी देखो क्या बोल सकते हैं, नाम ही नहीं याद रहता है, अच्छा चलो बाद में बताऊँगा, याद आएगा, अच्छा ठीक है। चलो मेन क्वेश्चन हमारा था कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फॉरेन पॉलिसी क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, कि फॉरेन पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, समझ में आ गया। ठीक है चलो, अब हमारा क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी में हम देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है। तो सिंपल बात है कि हम फॉरेन पॉलिसी को समझ लिए ना तो ऑब्जेक्टिव को भी समझना ईजी है। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मतलब फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या, क्यों है फॉरेन पॉलिसी, एक सी बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी है क्यों, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो समझो कि नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, कि फॉरेन पॉलिसी है कि फॉरेन पॉलिसी अगर अच्छा रहेगा तो नेशनल सिक्योरिटी में हमें फ़ायदा होगा, ठीक है, जैसे मिलिट्री डिफेंस हो गया, डिटरेंस हो गया, क्रिएटिंग ए क्रेडिबल डिटरेंट टू डिस्करेज द एग्रेशन फ्रॉम अदर नेशंस। देखो सबसे पहले बात समझते हैं अदर नेशंस। देखो अगर मान के चलो कोई कंट्रीज़, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा ना, तो कोई भी, जैसे कोई भी छोटा भी कंट्री है तो वो क्यों पीसफुल तरीके से है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ जो दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक रिलेशन बना हुआ है, ठीक है, कि अगर कोई दूसरा कंट्रीज उस पर कुछ भी करता है तो सारे कंट्रीज़ उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे, उस पर सैंक्शन लगाएंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि कोई भी रूल के खिलाफ नहीं जा सकता है, ठीक है। अलायंस बिल्डिंग से क्या होगा आपका, फॉर्मिंग अलायंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप टू इन्हेंस द कलेक्टिव डिफेंस कैपेबिलिटी, यही चीज़ मैं समझाना चाहता था। सेकेंड है हमारा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उसको समझ गए, ठीक है। ट्रेड पॉलिसीज नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड पॉलिसीज टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर, इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी अगर हमारा अच्छा रहेगा तो डिफरेंट कंट्रीज से, है ना, डिफरेंट कंट्रीज से मेरा एक्सपोर्ट हो सकेगा गुड्स, मेरा उसका इम्पोर्ट हो सकेगा, तो क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ का क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा डिमांड्स। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफडीआई भी बोलते हैं, ठीक है। एफडीआई का मतलब क्या है कि अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एफडीआई मतलब क्या होता है, डिफरेंट जो बड़े बड़े कंपनीज है वो आए अपने नेशन में और वहाँ क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। चलो मार्केट एक्सेस, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट मतलब ये नहीं कि सब्जी बाज़ार वाला बात हो रहा है, मार्केट मतलब ये हो रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा गुड्स खरीदा जाए, ठीक है। इंश्योरिंग एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जैसे मान के चलो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम। अब क्या है कि यहाँ पे बंद कर दिया जाए कि बाहर से कोई नहीं लेके आएगा, ठीक है, मतलब बाहर से इम्पोर्ट ही करना हम बंद कर दें, ठीक है। इम्पोर्ट करना बंद कर दे तो हमारा एक्सपोर्ट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि हम अगर किसी को इम्पोर्ट नहीं करने देंगे तो हमारा कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा, हमारा भी कोई इम्पोर्ट नहीं लेगा अपने में, ठीक है, कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको, ऐसा हो जाएगा। अब समझो बात को, ठीक है। तो अगर मार्केट एक्सेस हमें नहीं मिलेगा, किस कोई भी कंट्रीज़ को मार्केट एक्सेस नहीं मिलेगा तो वो गुड्स कहाँ भेजेंगे। सिंपल है कि मार्केट एक्सेस देना सारे कंट्रीज़ में। डिप्लोमेसी, बायलैटरल डिप्लोमेसी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, बायलैटरल रिलेशंस, मल्टीलैटरल इंगेजमेंट, क्राइसिस डिप्लोमेसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिप्लोमेसी को मैंने समझा दिया है, मैनेजिंग रिलेशनशिप विथ इंडिविजुअल कंट्रीज थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल, ठीक है, डिप्लोमेटिक चैनल, डिप्लोमेटिक तरीके से सबको क्या करना, सिंपल है कि सबको क्या करना, रिलेशनशिप हर एक कंट्री से एक अपना अपना रिलेशनशिप बना के रखना, ठीक है। एक है मल्टीलेटरल इंगेजमेंट, पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ उसमें अगर सारे कंट्रीज हैं तब बता वो सब एक मल्टीनेशनल इंगेजमेंट में है, ठीक है। सच एज यूएन, यूनाइटेड नेशन जो हमारा है, टू एड्रेस ग्लोबल इशूज़, कलेक्टिवली इशूज़ को क्या करता है, एड्रेस करता है। क्राइसिस डिप्लोमेसी, इंगेजिंग इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू रिजॉल्व। जब देखो कोविड के टाइम में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बहुत सारे वैक्सीन क्रिएट किए, ठीक है, और फिर क्या है कि इंडिया का भी नीड को कंप्लीट किया और उसके बाद एक्सपोर्ट भी किया है ना डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ एक्सपोर्ट किया वो क्या बोल सकते हो, उसको एक कर्जदार के तरीके से, है ना, वो मान के चलते कि उन्होंने ख़रीदा, लेकिन फिर भी उस टाइम में जब क्राइसिस चल रहा था उन्होंने हेल्प किया, इंडिया ने हेल्प किया, तो उसको क्या बोल सकते हैं, एक बहुत अच्छा रोल बोल सकते हैं ना, फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा बोल सकते हैं। अब प्रोमोशन ऑफ वैल्यूज़ एंड आइडियल्स, वैल्यूज़ और आइडियल्स को प्रमोशन करना, जैसे ह्यूमन राइट्स, ठीक है, एडवोकेसी, डेमोक्रेसी प्रमोशन, रूल ऑफ लॉ, सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स ग्लोबली, ठीक है, ये एक फॉरेन पॉलिसी हो सकता है इसका ऑब्जेक्टिव। और फिर क्या है, इनकरेजिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन इन अदर नेशन, जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसको क्या करना, इनकरेज करना कि ऐसा होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, एडवोकेटिंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड एडहेरेंस टू लीगल फ्रेमवर्क एट द इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में भी एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, सिंपल है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। पॉइंट्स याद रखो, एग्जाम में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड पीस कीपिंग, मेडिएशन एंड डिप्लोमेसी, एक्टिंग एज ए मेडिएटर इन कन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोट डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। समझो, दो कंट्रीज़ के बीच में, दो दोस्तों के बीच में हुई लड़ाई, ठीक है, दो दोस्तों के बीच में हुई लड़ाई, आप पहुंच गए बीच में, मार खाने के लिए नहीं पहुंचे हो। आप क्या कर रहे हो, एक हाथ से इसको रोक रहे हो, दूसरे हाथ से उसको रोक रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा देर में क्या होगा, दोनों तो दोस्त ही है, दोनों शांत हो जाएंगे, धीरे धीरे उसको शांत करा देना, उसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपके बीच में भी दोस्ती, उसके बीच में भी दोस्ती, उसके बीच में भी दोस्ती, मतलब तीनों क्या बन जाओगे, दोस्त। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हो, एक्टिंग एज अ मीडिएटर, मीडिएटर का काम करते हो, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एंड प्रमोटिंग डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन को सॉल्व कर दे रहे हो। दो कंट्रीज़ के बीच में कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपना थॉट देके कि हमें क्या बोलना है, कैसे यहाँ पे होना चाहिए, वो चीज़ को बोलने से आपका अगर फॉरेन पॉलिसी, मतलब यहाँ फॉरेन पॉलिसी हुआ कि ये पॉलिसी हमें, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, पीस कीपिंग मिशन हो गया, कंट्रीब्यूटिंग ट्रूप्स एंड रिसोर्सेज टू इंटरनेशनल पीस कीपिंग एफर्ट्स। पीस कीपिंग एफर्ट्स है तो अपना सेना को बोल सकते हैं, अपना रिसोर्स बोल सकते हैं, उससे क्या होगा, पीस कीपिंग हो जाएगा। पीस मतलब होता है शांति बनाए रखना, शांति। कन्फ्लिक्ट प्रिवेंटेशन, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट फ्रॉम एस्केलेटिंग। सिंपल है कि कन्फ्लिक्ट से बचना, ठीक है, सिंपल टॉपिक लिखा हुआ, 5 नंबर 3 पॉइंट आपको बनाना था, आपने बना दिया, वेरी गुड। अब 6 नंबर हमारा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ और फिर आपका रिफ्यूजी सपोर्ट। समझो बात को, ठीक है, प्रोवाइडिंग एड एंड असिस्टेंस ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। देखो, यूक्रेन का बात था ना, यूक्रेन में जब हुआ था लड़ाई, ठीक है, रसिया ने जो वॉर किया था, ठीक है, रसिया और यूक्रेन के बीच में जब वॉर हो रहा था, ठीक है, तो उस समय क्या है कि इंडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इंडिया के जितने सारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे थे वो लोग भी आए, साथ में पाकिस्तान वाले लोग भी आए, ठीक है, इंडिया का झंडा लेके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या है कि वहाँ से क्या किया, वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन, एक क्या बोल सकते हो, इंसानियत दिखाना, है ना इंडिया का, ठीक, वहाँ से उन लोगों ने अपना जितने सारे स्टूडेंट्स को उसको लेते आए। और रिफ्यूजी सपोर्ट, रिफ्यूजी किसको बोलते हैं वो समझते हैं, मैं उतने ब्रॉडर तरीके से नहीं समझा सकता, ये रिफ्यूजीज़ का हो सकता है और भी कुछ पॉइंट्स हो। जैसे मान के चलो आप कहीं ना घुसपैठी के तरीके से घुस के चले गए हो, ठीक है, उसको रिफ्यूजी करते। जैसे कि बहुत बार बोला जाता है कि बांग्लादेश के बहुत सारे लोग क्या है कि वेस्ट बंगाल, मतलब डिफरेंट जितने सारे उससे सटे हुए कंट्रीज है, वेस्ट बंगाल ये मेनली, ठीक है, तो वहाँ पर बसे रहे हैं, तो उस सबको हम क्या बोलेंगे, रिफ्यूजीज़ बोलेंगे, ठीक है। अगर कुछ न्यूज़ में आया था ऐसा कि वो इलीगल आधार कार्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, तो वो तो मुझे पता नहीं वहाँ का ही बात होगा, ठीक है, वो न्यूज़ में मैंने देखा था। अब देखो बात करते हैं कि रिफ्यूजीज मान के चलो किसी कंट्रीज़ में आप गए किस तरीके से, ना आपने वीज़ा लिया, ना वीज़ा है ना पासपोर्ट है, और वहाँ से आप चुपके से चले गए किसी भी तरीके से, बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है, चुपके से चले गए, तो उसको हम रिफ्यूजीज बोलते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू एफर्ट दैट एड्रेस द नीड ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, ठीक है। देखो बात की चलो रिफ्यूजीज है, कोई आए हैं भाग के, कोई बात नहीं, तो उनको इंसानियत के नाते आप उसके साथ क्या कर सकते हो, ठीक है, उसका कैसे हेल्प कर सकते हो, वो चीज़ है। सॉरी। अब देखो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसको समझाने का ज़रूरत है नहीं, आप लोग पढ़ लो। क्लाइमेट डिप्लोमेसी कैसे होता है, कंजर्वेटिव एफर्ट्स क्या लगा सकते हैं। 8 नंबर हमारा है कल्चरल एक्सचेंज एंड सॉफ्ट पावर्स, ठीक है, कि एजुकेशन प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, सपोर्टिंग एक्सचेंज एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स टू फोस्टर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस, ठीक है। मीडिया एंड पब्लिक डिप्लोमेसी, यूजिंग मीडिया एंड कल्चरल इवेंट्स टू इन्हेंस द पॉजिटिव इमेज ऑफ कंट्री अब्रोड, ठीक है, मीडिया का यूज़ करके, पब्लिक डिप्लोमेसी का यूज़ करके, अपना फॉरेन पॉलिसी भी ऐसा होता है कि पब्लिक डिप्लोमेसी और मीडिया का यूज़ करके हम अपना क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रीज़ का जितने सारे कंट्रीज़ में जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो चीज़ हो रहा है, अच्छा चीज़ जो हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रॉडली इंटरनेशनली दिखा सकते हैं, अब्रॉड में दिखा सकते हैं। उससे क्या होगा कि कंट्रीज़ का इमेज बनेगा, कंट्री का इमेज बनाना होता है, ठीक है। चलो ग्लोबल हेल्थ कोऑपरेशन में भी वही बात हो गया, सेम पॉइंट है, कुछ पॉइंट को डिफरेंस करके आप लोग लिख सकते हो। 9 पॉइंट है, आप लोग को याद नहीं होगा, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट भी लिखोगे, भरना होगा आप लोगों को पेज उस तरह से, ठीक है, पॉइंट याद रखना बस, एग्ज़ाम में लिखने का यही तरीका, पॉइंट याद रखो, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो पेंडेमिक रिस्पॉन्स है, ठीक है, पेंडेमिक रिस्पॉन्स है, कोलैबोरेटिंग ऑन इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कॉम्बैट एंड रिस्पॉन्ड टू ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस, बताओ इसको समझाने की ज़रूरत है, पेंडेमिक क्या, वही कोरोना पेंडेमिक के टाइम, ठीक है, कोलैबोरेट करना इंटरनेशनल एफर्ट्स में। फिर हेल्थ डिप्लोमेसी, इंगेजिंग इन डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। अब देखो ये सब पॉइंट जो है इलस्ट्रेट करते हैं, ठीक है, क्या चीज़ करते हैं, नेचर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का क्या नेचर कैसा होता है, ठीक है, उनका क्या करना, इंटरकनेक्टेडनेस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स। कंट्रीज ऑफन नेविगेट ए कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप बैलेंसिंग देयर इंटरेस्ट विथ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एस्पिरेशन। देखो हम लोग कुछ करते हैं ना, ठीक है, तो हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या सोच के करते हैं कि फैमिलीज़ के बारे में सोच के। अगर हम लोग सिंगल इंडिविजुअल का बात करें तो उसी तरह से अगर कंट्री कुछ करना चाहती है, ठीक है, सेंट्रल कुछ करना चाहता है, वो भी स्टेट कुछ करना चाहता है, तो डिफरेंट स्टेट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी सोच के थोड़ा करेगा। तो उसी तरह से कंट्री भी अगर कुछ करता है तो वो सोचेगा डिफरेंट कंट्रीज़ के पे क्या असर पड़ेगा, वो सोच के वो करेगा, है ना। अब यहाँ इस तरह का हमारा कंक्लूज़न है, कंक्लूज़न आप लोग पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने स्क्रॉल कर दिया, ठीक है। चलो आप लोग का ये कंप्लीट हो गया पॉइंट। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं दूसरा सेकंड क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, ठीक है। इस वीडियो पे अभी तक आप बने हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट एक अच्छा सा कमेंट कर दो, ठीक है, और उसके बाद हम कुछ भी डाउट होगा उसको भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।